Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn modal verb can. Friends, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछे कि can के सभी कंसेप्ट क्या है, यानी can के सभी कंसेप्ट पर एक वीडियो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम can के सभी कंसेप्ट समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि can का कब यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन का यूज फिजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी दिखलाने के लिए किया जाता है, यानी कैन का यूज सामर्थ्य या ताकत दिखलाने के लिए किया जाता है कि आपके अंदर ये ताकत है कि आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे मैं यह कर सकता हूँ या वह अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस से ताकत की बात हो रही है या फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम इसे कैन से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है मैं, उसका अंग्रेजी होगा आई, और हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। सकता है यानी कैन, करना का अंग्रेजी होता है डू, और यह का अंग्रेजी होता है दिस। आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं या मैं इसे कर सकता हूं। आइए इसे ट्रांसलेट करें। वह का अंग्रेजी होगा ही। अगर आपको लगता है कि किसी मेल की बात हो रही है, यानी किसी पुरुष की बात हो रही है। सकता है का अंग्रेजी होगा कैन, बोलना का अंग्रेजी होगा स्पीक, और अंग्रेजी को कहती है इंग्लिश। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको सामर्थ्य, ताकत या क्षमता की बात करना हो तो आप कैन का यूज करेंगे। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। तुम इसे उठा सकते हो, यू कैन पिक इट। तुम महान बन सकते हो, यू कैन बी ग्रेट। मैं यह पहेली सुलझा सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस पजल। कैन का यूज परमिशन देने के लिए किया जाता है। जैसे तुम अब लिख सकते हो, यानी किसी को परमिशन दिया जा रहा है कि तुम अब ये काम कर सकते हो। आप इसे कैन से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं। जैसे तुम का अंग्रेजी होगा यू, सकते हो कैन, लिखना राइट, अब नाउ। सबसे पहला वाला अंग्रेजी सबसे पहले लिख, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। यू कैन राइट नाउ, तुम आम खा सकते हो, यू कैन ईट मैंगो। वे क्लासरूम में बैठ सकते हैं, दे कैन सिट इन द क्लासरूम। तुम तैरने जा सकते हो, यू कैन गो स्विमिंग। तुम कॉफी ले सकते हो, यू कैन टेक कॉफी। आइए कुड का तीसरा यूज देखते हैं। कुड का यूज अस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य, इम्पेशेंस यानी घबराहट या अधीरता, और एंगर यानी क्रोध दिखलाने के लिए किया जाता है। जैसे वह क्या कर सकती है और वह कहां जा सकती है। इन वाक्यों से एंगर यानी क्रोध और आश्चर्य का पता चलता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैन से ट्रांसलेट किया जाता है। वह कहां जा सकती है, वेयर कैन सी गो। वह यह कैसे बोल सकता है, हाउ कैन ही स्पीक दिस। वह यह कैसे कह सकता है, हाउ कैन ही से दिस। वह कैसे त्याग पत्र दे सकती है, हाउ कैन सी रिजाइन। फ्रेंड्स, आइए देखें कि परमिशन के सेंस में मे और कैन में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं परमिशन के सेंस में जब मे के पहले सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन आता है तो दोनों का सेंस एक नहीं होता है, बल्कि दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, चलिए इस बात को गहराई से समझें। यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, यानी आप अपने व्हीकल को यहाँ पार्क कर सकते हैं। इसका मतलब होता है
I give you permission to park your vehicle here. मैं आपको परमिशन देता हूँ यानी इजाजत देता हूँ कि आप अपने गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकते हैं. It does not mean that you have authority to park your vehicle here. इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी है कि आप यहाँ पर अपने व्हीकल को पार्क करें. यानी जब हम सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ मे का यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कि मैं आपको ऐसा करने का परमिशन देता हूँ, आज्ञा देता हूँ. लेकिन जब आप सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ कैन का यूज करते हैं तो उसका सेंस होता है कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं. जैसे यू कैन पार्क योर व्हीकल हेयर, इसका मतलब हुआ यू हैव अथॉरिटी टू पार्क योर व्हीकल हेयर. आपके पास यह अधिकार है या अथॉरिटी है कि आप अपने गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकते हैं. सी मे टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी, शी कैन टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी. फ्रेंड्स, यहाँ दोनों सेंटेंसेस का सेंस एक नहीं है. आइए देखें दोनों का क्या सेंस है. सी मे टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब होता है आई परमिशन हर टू टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी. मैं उसको परमिशन देता हूँ कि वह लाइब्रेरी में रेस्ट कर सकती है. लेकिन अगर मैं कहूँ शी कैन टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब होता है शी हैज एन अथॉरिटी टू टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह बात समझ में आया होगा कि जब मे के साथ सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो सेंस होता है कि कोई उसको इजाजत देता है, परमिशन देता है. उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है. लेकिन जब सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ कैन का यूज करते हैं तो सेंस ये होता है कि उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी है या अधिकार है. आइए फ्रेंड्स देखें कि मे का परफेक्ट टेंस में क्या यूज है. फ्रेंड्स, मे है प्लस थर्ड फॉर्म और कैन है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम तब करते हैं जब हमको बताना हो कि गुजरे हुए वक्त में कोई काम हो गया है, या संभावना दिखलाने के लिए यानी या पॉसिबिलिटी दिखलाने के लिए हम मे है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं या कैन है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. यानी गुजरे हुए वक्त में कोई काम हो गया, इस बात की संभावना दिखलाने के लिए हम मे है प्लस थर्ड फॉर्म या कैन है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. वह यह समाचार सुन लिया होगा. ही मे हैव हर्ड दिस न्यूज. मैं ये भी कह सकता हूँ ही कैन हैव हर्ड दिस न्यूज. इस सेंटेंस से ये पता चला कि गुजरे हुए वक्त में यह काम हो गया ऐसी संभावना है या ऐसी इम्कान है. वह ट्रेन पकड़ लिया होगा, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे ही मे हैव कॉट द ट्रेन. हम ये भी कह सकते हैं ही कैन हैव कॉट द ट्रेन. बातों से पता चला कि गुजरे हुए वक्त में यह काम हो गया ऐसी इम्कान है या ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है. वह पैसा चुराई होगी. इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि गुजरे हुए वक्त में कोई काम हो गया इस बात की संभावना है. हम कहेंगे She may have stolen money. मैं ये भी कह सकता हूँ She can have stolen money. यानी may या can आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं. वह अंग्रेजी बोलता होगा. He may have spoken English. या He can have spoken English. इस सेंटेंस से ये पता चला कि गुजरे हुए वक्त में यह काम हुआ ऐसी संभावना है या ऐसी इम्कान है. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा. अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल उर्दू टू इंग्लिश पर जाएं, जहाँ आपको उर्दू वाले वीडियोज मिल जाएंगे. फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय.